आवाज दीजिए भाई, चला आइए। और विश्वास है कि हम जो है ठीक ठाक से रहेंगे, किसी तरह दिक्कत नहीं होंगे, इसीलिए हम चलाए। बहुत कष्ट लगा, इसलिए हम लोग बहुत कठिन से गुजर रहे थे। इस संस्था में जुड़े सोचते हैं कि ठीक ठाक से रहेंगे, इसके बाद हम कहीं नहीं जाएंगे, बीवी और बच्चा के साथ खाएंगे पिएंगे, साथ में रहेंगे। और सरकार को क्या मन है नहीं है, इसलिए हम तो सिलेंडर बोलिए गए हैं, लेकिन फिर भी रहेंगे। हाँ तो सर, खाड़ी ग्राम हमारे संजीव भाई समक्ष है, हम मुख्य धारा में आ गए। CRPF संदीप सर के नेतृत्व में हम लोग तीनों आदमी ये मुख्य धारा में जुड़ गए और चाहते हैं कि हम समाज में ही मिल के जुल के रहेंगे, इतना ही बोलते हैं। हम भारत को, संविधान को मानकर आत्मसमर्पण कर दिए और संजीव भाई को कहने पर हम मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। और संदीप जी को कहने को लिए जो उसको भी बात मान के मुख्य धारा में जुड़ गए हैं। और जो हमरे पर जो जितना केस है वो केस पर मेरा रहा भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जब यहाँ ला कर चढ़ा दिए सोलिए ना फांसी में चले जाएं, ऐसा नहीं कीजिए। हम जब मुख्य धारा में जोड़ लिया गया तो हमको रहा जरूर चाहिए, ऐसे नहीं कि फूल मगर माला चढ़ा दिए आप खुश हो गए, ऐसा नहीं। जिस तरह के हम अपना परिवार से मिलजुल कर रहे, आपसे भी मिलजुल कर सब भाइयों से रह सके, ऐसा नहीं कि फांसी पे चले जाइए बस हो गए सला खत्म। तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं, हम भी चाहते हैं संविधान को मान के चलाइए तभी हम आए। तो ऐसा सब भाइयों से हम अनुरोध करते हैं कि हमारा रहा जरूर चाहिए। यही कहने के बाद हम अपना बातों पे समाप्त करता हूँ। सबों को प्रणाम। क्या नाम हुआ? हुआ जी सर। कौन कौन को रहा? नाम जय कुटिया। आपके संगठन से जुड़ा हुआ लोग उसको क्या कहना चाहेंगे आप मुख्य धारा से जुड़ने के लिए? कहेंगे उन लोग कभी कि भाई मुख्य धारा से आप लोग भी जुड़ जाइए, प्रयास करूंगा, यही तो करेंगे, और क्या कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया।